हेलो माय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आपका अपने ही चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको पौधों में और किसी भी तरह के प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फ्लावर्स अगर चाहिए जो सभी को चाहिए होते हैं तो ये जो मैं खाद आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में इसको आप ज़रूर देखें और इस तरीके के खाद बनाने का जो आइडिया है काफ़ी आसान है और बिल्कुल घर के चीज़ों से ये रेडी हो जाता है और बाहर से बिल्कुल किसी भी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इस तरीके से खाद आप बना करके अपने पौधों में अगर डालिएगा तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो ये देखिए ये आलू के छिलके हैं जो नॉर्मली आलू हमारे घर में आते हैं उसी के छिलके हैं जिसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और छोटे छोटे पीसेज़ में या तो आप कट कर ले या बड़े पीसेस को ही सुखा ले सूखने में तीन से चार दिन लगते हैं आलू के छिलके को तो या तो सुखा ले या छोटे छोटे पीसेज में कट कर ले या पीसेस कट करने के बाद भी आप इसे सुखा सकते हैं या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको फ़ायदा बराबर ही मिलेगा और ये जो मैं अभी खाद बनाने वाली हूँ और जो ये काफ़ी सारे मतलब सभी तरह के प्लांट्स में यूज़ होते हैं सब्जियों के प्लांट्स फ्रूट्स के प्लांट फ्लावरिंग प्लांट, सो प्लांट्स सब तरह के प्लांट्स में ये जो है फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकता है ये देखिए ये केले का छिलका है और आलू के छिलके केले के छिलके में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है ये अंडे का छिलका है इसमें कैल्शियम होता है जैसे कि हम सब जानते हैं अंडे का जो कवच होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है तो इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम भरा रहता है तो इस वजह से काफ़ी यूज़फुल है ये देखिए ये है चाय पत्ती जो चाय बनी हुई थी उसे मैंने धो करके रख लिया है इसे इस फॉर्म में नहीं बल्कि सुखा लेना है सूखने के बाद आप देखिए ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है दो से तीन दिन में इस तरीके से ये सूख जाता है तो मैंने चाय पत्ती का पानी निकाल के चाय पत्ती को धो के इस तरीके से सुखा लिया है चाय पत्ती में चूँकि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती है तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए अब चलिए हम अपना बनाते हैं फर्टिलाइज़र आलू के छिलके और अंडे को छिलके को मैंने चायपत्ती में मिला दिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये है नीम की खली और नीम की खली क्योंकि पौधों में जो फंगस वगैरह कीट पतंगे होते हैं उन्हें दूर रखते हैं तो ये मैंने दो मुट्ठी लगभग डाल लिए हैं नीम की खली तो वो पौधों को कीट पतंगों से प्रोटेक्ट करता है तो इसीलिए इसे अगर आप मिला लें तो अच्छा रहता है ये कहीं भी आसानी से अवेलेबल है आ, किसी भी फॉर्च्यून की जो दुकान होती है या खाद की दुकान होती है वहाँ आसानी से ये मिल जाती है और अब आखिर में हम इसमें मिला रहे हैं केले का छिलका केले का छिलका और सभी तरीकों से यूजफुल होता है लिक्विड फॉर्म में भी और इस तरीके से भी केले के छिलकों को आप सुखा के भी डाल सकते हैं या इस तरीके से भी डाल सकते हैं तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स हमने कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है गमलों में डालने के लिए एक एक मुट्ठी करके हर गमले में इसको डालना है और उसके बाद यही डालने की जो प्रक्रिया है महीने में दो बार करनी है पंद्रह दिन के गैप में क्योंकि अंडे का छिलका काफ़ी देर से डिकम्पोज होता है इसीलिए महीने में दो बार काफ़ी है इस तरीके से ये देखिए ये है मेरा कोलियस का प्लांट और इसमें भी हमने ये खाद डालने हैं तो जब भी किसी भी पौधे में आप खाद डालें उसकी मिट्टी की ऊपरी परत जो है उसकी गुड़ाई आप ज़रूर कर लें किसी भी तरीके का खाद आप डालते हैं लेकिन पहले ऊपरी परत की हल्की गुड़ाई कर लें उसके बाद आप खाद डाल के इस तरीके से मिट्टी में आप उसे मिक्स कर दें तब आपका जो प्लांट है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा तो देखिए इस तरीके से कोलियस के पौधे में हमने ये डाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो खाद है सभी पौधे के लिए कैसे यूज़फुल है और मैंने इसे कैसे डाला है ये देखिए ये भी एक सोप प्लांट है और ये जो है डोरमेंसी में भी बिल्कुल बचा रहा क्योंकि मैंने इसका अच्छे से ख्याल रखा तो इसमें भी देखिए डोरमेंसी की पीरियड में जनरली सोप प्लांट शॉक्ट में चले जाते हैं लेकिन इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है तो इस तरीके से पौधों का ख्याल रखने से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ये हमें देते हैं सभी तरह के मौसम में तो चलिए इसमें भी हमने ये खाद जो है डाल दिया अगर बड़े गमले हैं तो उसमें दो मुट्ठी और अगर छोटे गमले हैं तो उसमें एक मुट्ठी खाद काफ़ी है तो इस तरीके से ये मेरा रोज़ का देसी वरायटीज़ है और इसमें भी देखिए मैंने इसी तरीके से ये फर्टिलाइज़र डाल दी है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये तो देसी वैरायटी है इसके बाद इंग्लिश रोज़ है उसमें भी मैं यही खाद डालूंगी मेरे दिखाने का मतलब ये है कि सभी तरह के पौधों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं बेहचक डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं हुआ है बस सारा चीज़ जो है ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं होती है तो इस तरीके से इंग्लिश रोज़ में भी ये आप डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा अभी मुश्किल से एक महीना भी नहीं हुआ मुझे ये रोज़ का प्लांट प्रूनिंग किए हुए और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कलियाँ भी काफ़ी सारी आई हुई हैं इसी तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पास अगर वेजिटेबल्स के भी प्लांट आपने लगाए हैं तो ये देखिए मेरा टमाटर का ये प्लांट है छोटा सा कुछ ही दिन पहले मैंने इसे ग्रो किया है सीड से तो इस तरीके से मैंने इसमें भी ये डाल दिया है और टमाटर के प्लांट जो है काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं तो ये फर्टिलाइज़र वेजिटेबल्स प्लांट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है और ये देखिए ये कौर है इसमें भी मैंने डाल दिया ये कैप्सिकम का प्लांट है जो मैंने रेडीमेड खरीद के लाया है और ये भी ये अच्छा ग्रो कर रहा है कई सारे इसमें फ्लावर लगे हुए हैं और इसमें भी मैंने ये फर्टिलाइज़र मिला दिया तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई फ्रूट का भी प्लांट है तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं खैर मेरे पास तो नहीं ये फ्रूट का प्लांट अभी फ़िलहाल ये देखिए ये चिली का प्लांट है जिसमें अगर मैं कहूँ कि पत्तों से ज़्यादा अगर आपको चिली नज़र आ रही है तो ये गलत नहीं होगा चिली का प्लांट है और ये देखिए मैं दिखाती हूँ ये इस तरीके से डब्बे में लगा हुआ है जो काफ़ी बड़ा नहीं है और मिट्टी इसमें मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मिट्टी भी आधी ही है इसमें और फिर भी ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके का खाद जो है बना बना के ऑर्गेनिक डालते रहती हूँ तो मिट्टी कम है डब्बा भी छोटा है फिर भी इसमें अच्छे से मिर्च जो है अपना रिज़ल्ट दिखा रहा है ये है मेरी गोल्ड का प्लांट ये देखिए इसमें ऑलरेडी फ्लावर्स और काफ़ी सारे बर्ड्स आए हुए हैं फिर भी मैं इसमें जो है ये खाद डाल देती हूँ ये डी मेरा पॉट है और इस तरीके से खाद इसमें भी मैंने डाल दिया है और जब भी खाद डालें तो थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लें उसके ऊपर से इसी तरीके से आप जो सीजनल प्लांट्स लाते हैं विंटर में उसमें भी ये फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो फ्लावरिंग है वो डबल हो और चलिए आप कुछ परमानेंट फ्लावर के प्लांट्स में आपको दिखाती हूँ ये है वो गनविलिया वो गनविलिया के प्लांट में भी ये आपको डाल देना है और जो परमानेंट जो फ्लावर प्लांट हैं शो प्लांट है सालों साल साथ देते हैं उसमें भी ये जो है फर्टिलाइज़र अगर आप डालेंगे तो वो कभी जो है बूढ़े नहीं होंगे और नई नई ग्रोथ हमेशा अपना करता करते रहेंगे ये है डहलिया का प्लांट अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन इसमें ग्रोथ है तो ग्रोथ जिसमें हो रही है उस प्लांट में भी आप ये डालिए आप यकीन मानिए काफ़ी बढ़िया ये ग्रोथ करेंगे और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो डबल साइज के फ़्लावर्स आपको मिलेंगे तो ये हमने ड्राई फर्टिलाइज़र डाला था अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे कैसे बनाते हैं इसमें चाय पत्ती है केले का छिलका है आलू का छिलका है तो इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है और इसे हम एक गिलास पानी में डालेंगे तो एक गिलास पानी में इसे हम डाल करके या तो कम से कम आपको चौबीस घंटे के लिए और ये है एक चम्मच नीम की खली नीम की खली मिला दें और इसमें जो है हम पानी भर देंगे और कम से कम आपको इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए छोड़ देना है या तो आप ढक के छोड़ दें या खुला छोड़ दें दोनों तरीके से चलेगा लेकिन आपको कम से कम 24 घंटे छोड़ना है और अगर आप अगर 48 घंटे मतलब दो दिन तक छोड़ेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो खैर मैंने चौबीस घंटे ही छोड़ा था क्योंकि मैं कुछ दिन पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुकी थी तो इसलिए 24 घंटे के बाद ही मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी और वो कैसे करना है इसी वीडियो में आपको मैं आगे दिखाऊँगी तो इस तरीके से ये मेरा मिश्रण बनकर तैयार है अभी से कुछ नहीं करना है चौबीस घंटे के लिए इसे कहीं छोड़ देना है जो है हमने खाली डब्बा लिया है और ये चौबीस घंटे हो चुके हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तो इस बड़े डब्बे में हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पूरी तरीके से डाल देंगे और इसी गिलास से अब हम चार गिलास पानी भर के इस मिक्सचर में डाल देंगे क्योंकि ये हमें डायरेक्ट इतना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड नहीं डालना है अपने प्लांट्स में क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा भी हो जाने से नुकसानदायक हो जाती है तो इस तरीके से हम इसमें चार गिलास पानी मिला देंगे चार गिलास पानी मिलाने के बाद ये हमारा टोटल क्वान्टिटी हो गया पाँच गिलास तो पाँच गिलास अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र परफेक्ट है और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने बाकी के जो प्लांट्स थे जिसमें हमने ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं डाला था उसमें हम इसे डालेंगे तो इस तरीके से ये जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र फटाफट से रेडी हो गया है इसे थोड़ा सा चला लेना है और अब चलिए मेरे साथ टेरिस पे और वहाँ पर हम अभी इसमें कुछ कुछ प्लांट्स में डाल देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र गमले के हिसाब से डालना है बड़ा गमला है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे छोटा गमला है तो थोड़ा सा कम डालेंगे इस तरीके से अंदाज से हम इसमें जो है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो है आपको काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट कुछ दिन के बाद ही देखने को मिलेगा तो इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल फर्टिलाइज़र है ये इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें और इसे अभी हम छोड़ करके रख देंगे और इसमें फिर से पानी भर के रख देंगे और चार दिन के बाद इसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं तो इसे ड्राई करके ड्राई फर्टिलाइज़र के तौर पर डालें या फिर इसमें पानी भर के लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर डालें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा और यूज़फुल लगा हो और थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि ये वीडियो जो है यूज़फुल रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर